बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुक विद मरियम। आज मैं आपके साथ बहुत सिंपल सा चाइनीज़ बनाऊंगी, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ये बन जाता है। वेजिटेबल्स आपकी कटी हुई हो तो आपका जो चाइनीज़ है वो सिर्फ 20 मिनट्स में रेडी हो जाता है। इसमें कोई मैरिनेशन नहीं है, कोई सॉस नहीं रेडी करनी होती, जस्ट सिंपल ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत मज़े की बनती है। ज़्यादा टेस्ट इसमें ब्लैक पेपर और विनेगर का थोड़ा सा आएगा, उसको हम बैलेंस करेंगे। चलें ये रेसिपी शुरू करते हैं। सब वेजिटेबल्स को मैंने फ्रेंच फ्राइज की तरह काटा है, जूनियर कटिंग की हुई है। चिकन 1 कप, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, विनेगर 2 टेस्ट, मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ले लिया है। अगर मैं टेस्ट करके देखूंगी, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं और भी ऐड करूंगी। सॉल्ट 2 टेस्ट, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, और इससे ज्यादा भी मैं ऐड कर सकती हूँ क्योंकि इसमें फ्लेवर जो है वो ब्लैक पेपर का ही आएगा। व्हाइट पेपर 1 टीस्पून, गोभी, कैबेज 1 स्मॉल, कॉर्नफ्लावर 1 स्मॉल, गाजर, कैरेट 3, शिमला मिर्च, कैप्सिकम 2, मटर, पीन 1 कप, आलू, पोटैटो 2 मीडियम, ऑयल 2 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, फ्राइंग पैन। इसके अंदर जो है मैंने ये ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी, ये गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर चिकन छोटा छोटा क्यूब फॉर्म में मैंने इसको काट दिया था, हल्का सा फ्राई करूंगी। फिर बाद अब मैं इसके अंदर ये मटर ऐड कर दूंगी, मिक्स करूंगी। 1 मिनट के लिए इसको फिर फ्राई करूंगी। 1 मिनट बाद मैं इसमें ये फूलगोभी ये ऐड कर दूंगी। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करूंगी। 1 मिनट हो गया है, अब ये मैं कैरेट ये ऐड कर दूंगी। 1 मिनट और फ्राई करूंगी। 1 मिनट हो गया है कैरेट को फ्राई हुए हुए, अब मैं इसमें ये पोटैटो ये ऐड कर दूंगी, मिक्स करूंगी अच्छे से। सॉल्ट ये ऐड कर दूंगी, ब्लैक पेपर ये ऐड कर दूंगी, वाइट पेपर ये ऐड कर दूंगी, विनेगर ये ऐड कर दूंगी, सोया सॉस ये भी ऐड कर दूंगी, मिक्स करूंगी अच्छे से। अब इसमें मेरी कैप्सिकम ये ऐड कर दूंगी और बंद गोभी ये भी ऐड कर दूंगी। कवर कर दूंगी और अब इसको थोड़े से गलने दूंगी सब्जियों को। यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा गली हुई सब्जियाँ खाते हैं तो आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा गला लें, और अगर आप कम गली हुई खाते हैं तो बस इसको 2 मिनट के लिए इसको इस तरह से रखिएगा, ये थोड़ी सी तरह गोभी पानी छोड़ेगी। बाद इसको तेज आग पे आपने इसको फ्राई कर लेगा और ये रेडी हो जाएगी। अब 2 मिनट बाद फिर मैं इसको कवर को उठाऊंगी। अब मैं इसको खोल के देखूंगी, ये देखें थोड़ा सा पानी आपको महसूस होगा कि थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें आ गया है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आप इसकी नमक मिर्च भी टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नमक या काली मिर्चें कम लगे या विनेगर का टेस्ट कम आ रहा हो आप इसके अंदर थोड़ा सा मजीद और ऐड कर सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। बस मैं थोड़ी सी तेज आग के ऊपर इसको हल्का सा फ्राई करूंगी और बस इसका पानी थोड़ा सा ड्राई करूंगी। बस ये रेडी। आप पोटैटो देखिएगा कि अच्छे से गल गए हैं। पोटैटो कच्चे अच्छे नहीं लगेंगे, पकाया सब्जियाँ तो कच्ची भी अच्छी लगती हैं, पर आलू जो है वो गले में होने चाहिए। बस ये रेडी हो गए। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको आपको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करके दिखाती हूँ। चाइनीज़ डिश रेडी हो गई है, बहुत ही सिंपल है। विद इन 20 मिनट्स आपका ये रेडी हो जाता है। अगर आपकी सब्जियां कटी हुई हों विद इन 20 मिनट्स ये चाइनीज़ आपका रेडी हो जाता है। बहुत टेस्टी होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा ये कैसा लगा है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये रेसिपीज़ मेरी कैसी लगती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएगा ताकि आपको मेरी इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ बेकिंग के हवाले से, चाइनीज़ के हवाले से, फास्ट फूड, देसी फूड के हवाले से आपको वीडियोस मिल सके। तो जरूर सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकॉन का जो साथ में बटन आएगा उसको दबाएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।